महंगाई इतनी नहीं हुई जितनी लोगों ने बना दी। आइए एक एक बंदे के पास जाए और रेट होता है, दूसरे के पास जाए और रेट होता है, ठीक है, तीसरे के पास जाए और रेट होता है। तो पिछले का कसूर है सारा, खा खू के निकल गए सारी महंगाई। सगू बहुत खाने पैगन बहुत सारे खाने की करते पहले एक आदमी से तो वो एक मतलब 500 या 700 की दिहाड़ी लगाता था, अब हुआ जो 1000 रुपये ले रहा कोई मजदूर के पास जाए कितने पैसे लोगे जी मैं 1000 रुपया लूंगा दिहाड़ी, तो मिस्त्री के पास चले जाए मैं 1500 2000 लूंगा, वो पैसे भी तो ज्यादा ले रहे हैं ना। अगे मैं सौदे लेना 3-4 हज़ार रुपए दे 5 हज़ार दे बड़े भी आंदे घर दे हूँ वही सौदे 10 हज़ार दे आंदे ने पैसे कर देंगे नवाशी ने ऐसे कर दिया उसने कुछ खाया भी है तो लगाया भी है ये तो कोई बात ना हुई ठीक है जी कुछ खाया भी है या कुछ लगाया भी है मतलब तो ये ना कि मुल्क लिए किसने अच्छा किया। नवाशरी का टाइम था फिर भी ठीक थे खुशहाल दुनिया थी। 35 साल हो गए इनका हुकूमत करते हुए ठीक है, तो मतलब 35 साल और 3 साल का आप कंपैरिजन करें तो वो तो नहीं ना बनता। उन्होंने टाइम चाहिए कम से कम खान साहब को 10 मैं तो कहता 15 साल इनको मिलने चाहिए। वो बंदा खाना ना जरा झूठा है वो है झूठे बंदे ने की किरा रोड सही किया सारे रोड टूटे ने गड्डिया पेंशन इन्हें बधाई है ना लेकिन सानू मिली नहीं है तक नहीं कोई भी नहीं बैंक पूछे जाके जी साढ़े तक आर्डर ही कोई नहीं है। किस तरह पीटी वाले कहते उन्होंने बच्चे 10-10 रुपए ला गया जो उन्हें शौकत खान अस्पताल बनाया वर्ल्ड कप जित के आया थी बस ही आप ही दिते सन इन्होंने गरीबा वास्ते बनाया गरीबा बनाते ने अपने ढिड खाने लिए बनाते ने पे। वालेकुम सलाम क्या कहेंगे खान साहब की हुकूमत के 3 साल पर मरियम नवाज कह रही है कि तबाह कर दिया पाकिस्तान। सर तबाह कुछ नहीं हुआ ये मतलब कि बहुत अच्छा जा रहा है इतना अच्छा नहीं लेकिन ठीक जा रहा है कोई भी चीज़ आप देखें मतलब कि देखें इधर रश नहीं मुकता एक मिसाल है ये देखें मुर्गी है ये रमज़ान में मतलब कोई मिल नहीं रही थी ठीक है या और कोई भी चीज़ लेने जाए जो अच्छी चीज़ हो जो तो मिलती नहीं है तो वो कहाँ पर महंगाई चली गई है बताए ना को किस चीज़ की महंगाई कह रहे हैं सारी आवाम जो है जिससे पूछा वो कहता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जरूरिया से सारी ये देखे आप इधर ही है ना जो अच्छी चीज़ लगी है ना लोगों का ना वो हमें चाहिए जो नॉर्मल चीज़ है ना वो कोई नहीं लेता अच्छी चीज़ सब कोई ले रहे हैं मतलब लोग खाना पीना छोड़ दे नहीं नहीं खाना पीना नहीं छोड़ दे क्यों मतलब अच्छी चीज़ मैं छोटी नॉर्मल चीज़ भी ले लें ना इसका मतलब यह है कि अच्छी चीज़ क्यों नहीं लेते तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो किस दुनिया में जानी चाहिए कहाँ पर मतलब ये है कि जो महंगी चीज़ें वो लेते हैं अच्छा जो नॉर्मल चीज़ होती है वो नहीं लेते। महंगाई हुई है तो ही महंगी हुई है महंगाई इतनी नहीं हुई जितनी लोगों ने बना दी आइए एक एक बंदे के पास जाए और रेट होता है दूसरे के पास जाए और रेट होता है ठीक है तीसरे के पास जाए और रेट होता है। इन चीज़ों को कंट्रोल किसने करना होता है किन को आवाम ने करना है और किसने करना है हुकूमत नहीं करती हुकूमत ने आने के तरह नहीं देख रहा हर कोई वजीर मतलब जगह जगह पे तो नहीं ना आके देखा जो ACDC प्राइस कंट्रोलर ये बने वो जगह जगह तो नहीं ना आते उन्होंने चकाना है चक्कर लगाना है ठीक है चले जाना है ठीक है कंट्रोल करना तो आवाम का हक है ना जी हम तो पता करे आके इधर में क्या रेट है या इधर है लोगों ने आके देखना जिसने जो मर्जी आए ठीक है पैसे लिए चलो जी आपके ख्याल में आवाम जो है वो जिम्मेदार है हम आवाम जिम्मेदार है मेरे ख्याल में हम हुकूमत नहीं है आवाम जिम्मेदार है यही आवाम कहती है कि पिछली हुकूमत में हम बड़े खुशहाल थे कोई खुशहाल नहीं थे मतलब कि पेट्रोल के हिसाब ला लें मतलब कि लगा लें पिछली हुकूमत के दौर में भी 115 रुपये में गया है ठीक है इसका हुकूमत भी इतना ही पेट्रोल है या इससे 10 साल पीछे भी आज से 10 साल पीछे भी इतना पेट्रोल गया है 120 पे गया है मतलब जरदारी के दौर में उस उधर भी पहले भी इतना गया है तो अभी इतना ही है चीनी जो थी वो भी इतनी गई है गैस भी आज से 10-15 साल पीछे चले जाएँ मतलब कि 200 रुपये किलो थी आज भी वही है आज कहते हैं 3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा फर्क पड़ता है लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना 70 रुपये हुआ है कुछ चीज़ें दौर में नवाशिर दौर में भी 70 रुपये था कुछ नहीं नहीं कुछ चीज़ें जो है ना मतलब के फर्क पड़ा है लेकिन इतना नहीं पड़ा जितना लोगों ने डाल दिया कितना पड़ा आपसे मतलब 12.5% ये देखें 2 करोड़ आबादी ये देखें आप के मतलब के पहले एक आदमी से तो वो एक मतलब 500 या 700 की दिहाड़ी लगाता था ठीक है अब हुआ जो 1000 रुपये ले रहा कोई मजदूर के पास जाए कितने पैसे लोगे जी मैं 1000 रुपया लूंगा दिहाड़ी तो मिस्त्री के पास चले जाए मैं 1500-2000 लूंगा वो पैसे भी तो ज़्यादा ले रहे हैं ना वो भी तो जाना है ना ये तो नहीं है अगर महंगाई हुई है चीज़ें महंगी हुई हैं पैसे नहीं ज़्यादा लिए वो पैसे भी तो ज़्यादा ले रहे हैं ना बिलों के जो टैक्सीज हैं वो आपने देखे हैं कितने बड़े हैं मतलब कि वो तो एक ऑलरेडी मतलब कि चलता है ना काम आम चीज़ है वो तो ऑलरेडी मतलब हुकूमत टैक्स ना हो गए तो हुकूमत कैसे चलेगी टैक्स देंगे मतलब कि कोई भी टैक्स ना देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी टैक्स देंगे तो हुकूमत चलेगी ना हुकूमत को पैसा आएगा
ठीक है, ऐसा तो नहीं ना हम टैक्स ना दे, हम कहें जी बिलों में टैक्स आ रहे हैं या फलानी चीज़ में टैक्स आ रहे हैं। वो जो इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ से ले रहे हैं, एक टाफी तक भी लिया जा रहा है सर, ये हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में होता है ये टैक्स जो है ना, ये तो मतलब हर जगह पर चलता है टैक्स। टैक्स ना हो कोई भी अदारा ठीक है, उसको वो फंड ना हो उसके पास तो वो चलता ही नहीं है। फंड होंगे के नारे क्यों मारते हैं, मतलब के मार रही है ठीक है, जिनको इतना मतलब वो होता है कि ये ज़्यादा एक बात बढ़ाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो मतलब कहते हैं जी हम नवाज शरीफ को ऐसे ही कर देंगे, नवाज शरीफ ने ऐसे कर दिया, उसने कुछ खाया भी है तो लगाया भी है, ये तो कोई बात ना हुई ठीक है जी, कुछ खाया भी है या कुछ लगाया भी है, मतलब तो ये ना कि मुल्क लिए किसने अच्छा किया वो देखना चाहिए, अपनी जेब किसने बड़ी है। खान साहब ने क्या अच्छा किया अभी तक? खान साहब ने ये अच्छा किया कि मतलब कि उसने अपनी जो ईमानदारी है ना वो उसकी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आवाम कहती है कि आवाम की जो खाना है जो पीना है सब कुछ है वो ईमानदारी से थोड़ी चलेगा, वो तो हर रोज डेली बेसिस पे उनकी जो सारी देखें ये एक चीज़ है ना, कोई भी देख ले आप ऑलरेडी जो चलती है सब्जी है या फ्रूट है वो जो आती है ना मतलब कि अपने मौसम के हिसाब से तो वो रेट हो जाता है। सेब ले देख लें या अंगूर देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप, जब मौसम का होता है ना तो फिर वो मतलब रोल पड़ जाता है, जब वो मौसम नहीं होता उसका तब तो वो महंगी होती हैं। आम चीज़ें तो मौसम के हिसाब से तो यही है ना। इसका ईमानदारी से क्या लेना देना है? किसका? ये जो आपने मिसाल दी है, मैंने एक बताया है कि मतलब वो मतलब कि खान साहब का आपने पूछा ना। हाँ जी, उन्होंने क्या किया अभी तक? इन्होंने 3 सालों के अंदर खान साहब ये देखो आवाम के लिए 35 साल हो गए इनका हुकूमत करते हुए ठीक है, तो मतलब 35 साल और 3 साल का आप कंपैरिजन करें तो वो तो नहीं ना बनता, उनको टाइम चाहिए कम से कम खान साहब को 10, मैं तो कहता हूँ 15 साल इनको मिलने चाहिए, इसके बाद इनसे परफॉर्मेंस लेनी चाहिए कि आपने क्या दिया हमें। ये तो नहीं है कि आप मतलब कि 1 साल 2 साल में, वो तो अभी टीम ही नहीं उसकी सेटल हो रही ठीक है, टीम सेटल होगी उनका इतमाद बढ़ेगा तो फिर है ना, ये देख लें कि मतलब कि उनके बीच से एक ग्रो उठ गया, जैसे उन्होंने ये बात की थी चीनी की, चीनी जो लोग कहते थे जी जहांगीर तरीन को पकड़ो, उन्होंने जहांगीर तरीन को हाथ डाला तो लोग कहते हैं जी जहांगीर तरीन मेरी तरफ आ जाओ, कोई कह रहा मेरी तरफ आ जाओ, ऐसे तो नहीं ना, मतलब कोई यही बात है ना कि मतलब कोई अंदर से नहीं ठीक होने देते, अंदर से ठीक होने देंगे तो फिर होगा ना। वो कौन करेगा? वो खान साहब ने करना है लेकिन टाइम लगेगा। 15 साल आप कह रहे सर, मैं कह रहा हूँ कोई सवाम पे रहना चाहिए, 15 साल उनको मिलने चाहिए तो फिर हालात फिर हम कहेंगे कि मतलब पूरा टाइम मिला, अगर महंगाई है या कोई भी चीज़ नहीं ठीक होती तो फिर खान साहब जिम्मेदार है। ये 3 साल गुजरे ने इन्होंने पाकिस्तान तबाह कर छड़े है, पी टी आई वाले कहते हैं कि 3 साल आवाम खुशहाली तरफ तुर पी, थोड़े क्या हालत आवाम अगे ना बहुत ही फीस कटी है, हाँ महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल गुजर होती पी है, वक्ती तौर पर की मैं बिल आता 20-25 हज़ार 20-25 सौ तो 3 हज़ार, अज मैं आया बिल 6 हज़ार, मैं 31 तरीक में उतार के आया वहाँ 6 हज़ार बिल। हाँ जी ठीक है, महंगाई नहीं तो होर की, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ बंदा किसी पास जा ही नहीं सकता, थोड़ा मुश्किल टाइम है, कल आवाम खुशहाल हो जाएगी, पाकिस्तान अपने पैरों से खलो जाएगा। खुशहाल किस तरह होगी जो आवाम ही नहीं खुश हैगी तो खुशहाल उन्हें किस तरह होना, आवाम बड़ा मार छड़नी है, आवाम तो मर गई है साहब न, बड़ी मुश्किल को मजदूरी कर रहे हो, पहले लाने हो कमे तो उधर कर रहे हो, साडे को उधर नहीं आंदी, कोई गल नहीं। हां जी, कितना को फर्क पे आया 3 सालों से? जी कितना को फर्क पे आया 3 सालों से तुम्हारे हालात से? अद्दो अद्दा दा फर्क पे आया, अद्दो अद्दा फर्क। हां जी, आगे अगे मैं सौदे लेंदा 3-4 हज़ार रुपये के, 5 हज़ार के बड़े भी आते हैं घर के, हूँ उ सौदे 10 हज़ार के आते हैं। अच्छा 10 हज़ार? हाँ जी, डबल नहीं हो गया। वो तो आते प्रोपेगंडा कर दी अपोजिशन पे सारी चीज़ें? नहीं, अपोजिशन ने प्रोपेगंडा की करना, नवाज शरीफ का टाइम तो फिर भी ठीक थे, खुशहाल दुनिया से नवाज शरीफ का टाइम। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे जी? नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे फिर? चलो नहीं वापस आता हूँ अपना फिर, कोई अं कहने कोई चंगा बंदा आ जाए, क्यों जी? खान साहब अच्छे नहीं ने पहला ईमानदार लीडर है पाकिस्तान की तारीख का, कादर आजम तो बाद कौन कहता जी? किस तरह पी टी आई वाले कहते बच्चों 10-10 रुपये लै गया, जो उन्हें शौकत खान अमृत सत्ताल बनाया वर्ल्ड कप जित के आया थी, बस ही आप ही दिते सन इन्होंने, गरीबा अपने ढिड नहीं भरता पे,
लंगर खाने आबी वैली बंदे वारा जो लंगर खाने दिते ने जिन्होंने दूजे नु दिते ने कुछ बेरोजगार केड़े कारोबार होवे ते सारा सेट कारोबार ही नहीं कारोबार होवे सेट हो जांदा बेरोजगारी ना करन चंगा किया पहले पैप जेडे पैप पेदे पहला खिला लैन बंद पेदे ने अगो नवे पैप पांडे कश्मीर रोड से पानी खलोता कद नहीं खलो सकता अच्छे पैप पांडे बेतुके टेंडर पास करके अपने पैसे अपनी जेबियां भर देने पे झूठा है झूठे बंदे ने की केड़ा रोड सही कीता ने सारे रोड टूटे ने गड्डियां पानी जगह जगह खलोता है कहता नहीं बाबा मायूस नहीं होए पे मजदूर दे और की खुद कशी दे प्यार खुद कशी दे काम तोड़ गया हां खुद कशी बजाई है खुद कशी दे काम गया आज तो बेरोजगारी होनी है तो फिर यही मसले बनने ना बटियां ने पेंशन ने बधाई है ना ठीक है लेकिन सानू मिली नहीं है ये तो करा जे 10 पीस इजाफा नहीं लगा नहीं कोई भी नहीं बैंक ने पूछे जाके जी साढ़े तक आर्डर ही कोई नहीं है खान साहब ने आर्डर जारी किए ने सोफे ला के उन्होंने बहा के तो देनी सानू तो खलोन भी नहीं देंगे वो खलोन भी नहीं देंगे वो आंदे ने जी सानू तो आर्डर ही कोई नहीं आया तो तु ही किनू आंदे हो बद गई ये सिर्फ लफ्जी कार्रवाई चलती है।